दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने भेज दिया। 3 दिन की ईडी हिरासत की मुद्दत खत्म होने पर उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश M.K. नागपाल के सामने पेश किया गया। दोनों पक्ष को सुनने के बाद जज ने उन्हें 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। संजय सिंह की न्यायिक हिरासत बढ़ने के बाद उनकी पत्नी अनीता सिंह की एक सोशल मीडिया पोस्ट अब वायरल हो रही है। इस पोस्ट में उन्होंने संजय सिंह को लेकर एक इमोशनल पोस्ट लिखा है। अनीता सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मेरा आपका 30 वर्षों का साथ है। आपने असहायों के लिए निरंतर संघर्ष किया। तमाम मुसीबतें आई, न कभी रुके न कभी झुके। ईमानदारी सर्वशक्तिशाली होती है। मुझे पूरा यकीन है ये भ्रष्ट ताकतें आपकी ईमानदारी के सामने जल्द ही नतमस्तक होंगी। मुझे गर्व है मैं सांसद संजय सिंह की पत्नी हूँ। इस पोस्ट के साथ अनीता सिंह ने पति संजय सिंह के साथ तस्वीर भी शेयर की। आपको बता दें कि इससे पहले जब 4 अक्टूबर को संजय सिंह को उनके घर पर छापेमारी के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया था तो संजय सिंह की पत्नी ने कहा था, मेरे पति ने मुझसे कहा है कि तुम एक बहादुर पति की पत्नी हो, इसलिए हार मत मानना। उन्होंने कहा तुम बहादुर, एक बहादुर पत्नी हो, बहादुर पति की पत्नी हो, इसलिए तुम हिम्मत मत मानना। मैं उनके साथ हूँ, हमारे बच्चे साथ है, मेरा परिवार साथ है, इसलिए मैं उनको शुभकामना देती हूँ कि तुम हमेशा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। दरअसल जांच एजेंसी ने 4 अक्टूबर को संजय सिंह के घर पर तलाशी लेने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 10 अक्टूबर तक हिरासत में भेज दिया। जब दूसरी बार संजय सिंह की कोर्ट में पेशी हुई तो उन्हें 13 अक्टूबर तक के लिए ईडी की हिरासत में भेजा गया था। अब शुक्रवार को ईडी को मिली रिमांड की मुद्दत खत्म होने के बाद कोर्ट ने उन्हें 27 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने संजय सिंह पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने दिल्ली की आबकारी नीति को लागू करवाने में अहम रोल निभाया। कुछ डीलर को फायदा पहुंचाने के लिए कथित तौर पर रिश्वत ली गई। वहीं अब इस मामले में सियासत तेज हो गई है। इस बीच संजय सिंह की न्यायिक हिरासत बढ़ने के बाद उनकी पत्नी अनीता सिंह की सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो रही है।